देश भर में होली की तैयारी शुरू हो चुकी है और ऐसे में विदिशा में लगभग 200 जगह पर होलिका दहन होगा। एसडीएम क्षितिज शर्मा ने कहा कि होली का त्यौहार परंपरा और पर्यावरण संरक्षण के साथ मनाया जाए, इसे लेकर नगर पालिका और वन विभाग को भी निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से भी होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। और वो पूरे भारतवर्ष में सभी जगह पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। विदिशा में भी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी होली का पर्व बहुत ही ज़्यादा उल्लास रंग और आपस में मिलजुल के एक दूसरे से गले मिलकर मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये बात सही है कि होली के त्यौहार के साथ कुछ पर्यावरणीय समस्याएँ जुड़ी हुई हैं, जिसको लेके शासन से लेके सभी स्तर पर पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्याप्त है। जैसा कि आपने कहा कि होली में बच्चे और नासमझ लोग जो है हरे पेड़ काट के होली जलाने का प्रयास करते हैं। अव्वल तो ये बात हर स्तर से सामाजिक जागरूकता के चलते रोकी जानी बहुत आवश्यक है।